अभी पिछले दिन ही ना यहाँ बिल्कुल सूखा था पड़ा हुआ, बड़ी मस्त लग रही यहाँ पे ना। ये देखो भाई असली सीन, वाओ। चलो जी जरा छत पे चलते हैं, जरा दिखाते हैं आपको आज का कार्यक्रम क्या क्या है। सामने ये बादल ना बड़े मस्त लग रहे कसम से। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर, हिमाचल के खूबसूरत गांव विलेज दाना में। और भाई आप देख रहे पीछे कितना ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है कसम से। वही अभी दोपहर के बजे डेढ़, तो अब जाके ना बारिश रुकी है। मौसम तो भाई फिर से हो गया बारिश के लिए तैयार, बट अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है। और सबसे बढ़िया बात ये हुई इस बार ना आज सुबह कि सामने जो झरना है ना ये बह गया। ये झरना, ये सामने जो झरना मेरा ना, ये वाला झरना। तो भाई भगवान का तहे दिल से शुक्रिया कि कम से कम यार हमारे एरिया में बारिश तो हो गई। अच्छे से बारिश तो हो रही थी, बट हल्की फुल्की होती थी, बूंदा बांदी फिर हो जाती थी बंद, धूप लगती थी। तो भाई बारिश है ना, ये सब्जियों की बेल वगैरह ना नीचे गिर गई सारी की सारी, छत पर आ गई। चलो कोई बात नहीं। और भाई नीचे फिसलन ऐसी हो रही ना, आराम से चलना पड़ता, नहीं तो बंदा फिसल भी सकता है। इसके बाद कितना स्लिपरी बन रहा है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बन गया स्लिपरी। तो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे गांव के पीछे ना, पीछे जाकर नदी नाले कैसे बह रहे हैं। मतलब नाला इतना बह रहा है ना कि बहुत ज़्यादा। तो बस मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ, आप फटाफट से चलो फिर चलते हैं वहीं पर, कहीं ये बारिश दोबारा शुरू ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट से नाले के पास जा रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई इस पुल के साथ ना जहाँ पे हमारे गांव के लोग पानी भरते हैं ना, इधर सामने यहाँ बहुत पानी बह रहा है उधर सामने। ओ भाई देखो जगह जगह पानी बह रहा है, अंदर से आ रहा कहीं पानी, ये वाह जी वाह, बहुत अच्छा लग रहा है यार मेरे को तो ना कसम से। ओ भाई इधर तो डंगे के अंदर से आ रहा पानी रिस्क के, और नहीं नहीं यहाँ से आ रहा है तो नहीं, वही इधर से आ रहा है। ये देखो भाई यहाँ भी कितना फर्रा पानी बह रहा है। अभी पिछले दिन ही ना यहाँ बिल्कुल सूखा था पड़ा हुआ, और देखो कितना बढ़िया पानी बह रहा है। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। तो ये पानी पूरा बह के यहाँ से जाके भाई सीधा आगे समुद्र में मिल रहा है नीचे। वाह जी वाह, गांव का समुद्र, और मेरा गांव बिल्कुल एकदम चमक रहा है इस टाइम ना। और जहाँ पे मेरे गांव के लोग पानी भरते ना हम लोग, वहाँ उसका जो लेवल है ना पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये भी बढ़िया हो गया काम। ये पानी पीने का है यहाँ पे, ये चीज बड़ी मस्त लग रही है यहाँ पे ना, बहुत मस्त लग रहा है। ये तो पानी गिरा हुआ है ना, छोटा सा झरना है ये, गिरा के जा रहा है भाई। ये पानी बहुत बह रहा है, अब मैं आपको ना ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ जो बिल्कुल सरप्राइजिंग जगह है, मतलब ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर है, वहीं जा रहे हैं अभी, फिक्र ना करो दोस्त। ये यहाँ तो पानी कम है। ये देखो भाई असली सीन, यहाँ है ज़बरदस्त पानी भरा हुआ, बाहर निकल रहा है पूरा भर के। ओ भाई साहब, ओए ये तकड़े वाला सीन यहाँ पे। आगे चलो आप, अभी दिखाता हूँ आपको दूसरे वाला टैंक, दूसरा टैंक कितना भरा हुआ है। ये बात यहाँ से आ रहा है पानी बाहर, पूरा हरा दिख रहा है भाई अंदर पूरा, इधर से इन इधर से आउट। एक्चुअल में भाई ये जो है ना, ये हमारे गांव का डैम है, ये छोटा सा डैम है, मिनी डैम ना, तो ये जो गांव की जो ज़मीन है ना उसके लिए बनाया गया है सिंचाई के लिए, तो थोड़े दिनों में ये तैयार हो जाएगा। अभी तो इसमें पानी भरा हुआ है, फिर इसको पूरा फुल भर देंगे, और फिर इसमें से गांव के जो खेत है ना वहाँ के लिए पाइप लगेगी। ये वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा डैम की ना, फिलहाल तो इतना ही बहुत है।
ओ भाई यह कैसी आवाज़ आ रही है ना, जैसे पानी जा रहा अंदर। वाह, ये पानी चूस रहा है अंदर पाइप ना, जो पानी के अंदर की पाइप है, यहाँ से जा रहा आराम से बिना शोर के। दो पाइप इसके अंदर लगी हुई, तो यहाँ से इन और यहाँ से आउट। यहाँ से हो रहा भाई पानी, पूरे फ्लो में बाहर निकल रहा है दोनों पाइप से, ये पानी के अंदर की पाइप भी दूसरे वाली भी, और फिर ये आगे जाता हुआ सीधा गांव के बैक साइड से होता हुआ नीचे की तरफ। अरे गांव के ना बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अब बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या फसलों का होगा, मतलब सारे बंदे ना टेंशन में थे कि भाई बारिश कम हो रही है इस बार। तो मेरे को भरोसा था भगवान पे कि भाई चलो यार बारिश हो जाएगी, थोड़ा धैर्य रखो। तो भाई ऐसा वसीन कि आज क्या पिछली रात से ना, पिछले कल की रात से इतनी भयंकर बारिश हुई कि अब जाके रुकी है दोपहर के बाद, अभी 2:15 बजे है दोपहर के। सोच के देख लो यार, मतलब अगर बंदा विश्वास रखे ना भगवान पर अगर भरोसा है ना, तो भाई कुछ भी हो सकता है। बस बंदे को अपने भरोसे से नहीं हटना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यार भगवान को ना सबकी चिंता होती है। ये यहाँ पे पीने का पानी है, वो भाई बंद हो गया, वही कहाँ चला गया, रुक रुक के आता है। मेरा मन तो बार बार कह रहा है कि मैं यहीं पे खड में ही तो मैंने आपको पूरा का पूरा गांव का नाला दिखा दिया, अब यही था बस पीछे तक। तो बस यही है, आजकल मौसम बहुत अच्छे बने हुए पहाड़ों में ना, एकदम ग्रीनरी पानी से भरे हुए, और कई जगह तो नुकसान भी हो रहा है। शुक्र है भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। कि वेलकम बैक टू घर। तो फाइनली जिस छत से निकला था उसी छत पर वापस आ गया लौट के, और इस वीडियो को बस मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी तो वीडियो को एक मार दो लाइक, भाई के चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगले ब्लॉग में करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।